और मौसम ने करवट ली है। होली के दिन मौसम बदला है, मौसम का मिजाज बदल गया है, बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। और सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ सहयोगी दीपक मौजूद है। दीपक, कल शाम से ही मौसम में तब्दीली देखी जा रही थी, मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी किया है, तो मौसम का मिजाज होली के दिन बदला हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल राधा, पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो झारखंड प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अहले सुबह से ही बूंदाबूंदी शुरू हो गया है और इस बूंदाबूंदी शुरू होने से, मौसम का मिजाज बदलने से हल्का ठंड भी महसूस हो रहा है। हालांकि इसका व्यापक असर होली में नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि होली को लेकर लोगों में खास उत्साह है। लोग अपने स्तर से इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, लेकिन ओल्ड एज खासतौर पर जो इस मौसम में घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने प्री मानसून की बात कहा है, प्री मानसून एक्टिव हुआ है और मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान है कि 8 और 9 मार्च को झारखंड के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ तेज गर्दन के साथ कुछ इलाकों में है वहाँ पर वज्रपात होने की भी संभावना है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति रफ्तार से हवाएं भी चलने का आसार है। तो इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन जिस तरह से यह समझा जा रहा था कि होली के दिन अगर बारिश होती है तो होली का रंग फीका पड़ सकता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। होली के रंग में जो लोग रंग चुके हैं या जो रंगने वाले हैं वो काफी उत्साहित है इस पर्व को लेकर, कई दिन पूर्व से ही इसकी तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन थोड़ी सी तो खलल जरूर पड़ती है जब उत्साह में खलल पड़ जाता है, खासतौर पर जब हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश होती है। तो 10 मार्च से मौसम शुष्क होगा और उसके बाद साफ होगा, और उसके बाद जिस तरह से मार्च माह में जो गर्मी पड़ती है तो वो गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो आज से चैत माह का भी आरंभ हो गया है और जिस तरह से होली को लेकर लोगों में उत्साह है वो खास तौर पर देखने को मिल रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे हो या फिर युवक हो, नवयुवक हो, तो वो होली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है उसका भी विशेष ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि तेज गर्जन के साथ अगर वज्रपात होती है तो इसका नुकसान भी हमेशा देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों से लोगों को बचना होगा और अब मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक ही रहना होगा। लेकिन मौसम ने जो मिजाज बदला है, राजधानी रांची के अलावा कई ऐसे जिला है जहां पर बूंदाबूंदी शुरू हो गई है, हो सकता है दोपहर बाद मध्यम दर्जे की भी बारिश होने की संभावना है। तो तमाम चीजों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अब आम लोगों को भी मौसम का ध्यान में रखते हुए होली पर्व को मनाना चाहिए, क्योंकि जब तेज गर्जन और ये होती है, खासतौर पर वज्रपात होती है, तो उसका नुकसान भी होता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर लोगों को ध्यान में रखते हुए होली पर्व को बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। जी बिल्कुल, मौसम का मिजाज जरा बदला जरूर है, लेकिन इससे होली में कोई खलल नहीं पड़ेगी। लोग एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन जब मौसम बदलता है तो थोड़ी परेशानी भी बढ़ जाती है। इसलिए अपने सेहत का भी पूरा ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारियों के लिए। तो मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है येलो अलर्ट की। हालांकि होली के दिन मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदला जरूर है, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन इससे होली के रंग में भंग नहीं पड़ेगी। नहीं ड्यूटी है अभी तो। घर में रंगों का त्योहार होली मनाया जा रहा है, उसी बीच अगर मौसम की बात करें तो मौसम के मिजाज में भी थोड़ी तब्दीली आई है। थोड़ा ठंड बढ़ा हुआ लग रहा है और सवेरे से बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन इससे होली के रंग में कोई खलल नहीं पड़ेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।